बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मनोज वाजपेयी अपनी एक नई फिल्म जोरम को लेकर के प्रमोशन के लिए राजधानी पटना पहुंचे थे। इस दौरान कई तरह के सवाल उनसे किए गए, राजनीतिक सवाल भी था। जब हमने उनसे सवाल किया कि आप राजनीति में उतरना चाहते हैं, समाज सुधारने की बात आप कह रहे हैं, तो क्या राजनीति में भी आप आएंगे, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई थी। इस पर जब हम उनसे सवाल किया, पूछा कि आखिरकार आपकी मुलाकात तेजस्वी यादव और बेतिया लोकसभा, इन सारी चीज़ों पर लोगों की निगाह है, क्या कुछ कहा उन्होंने, इन सारे सवालों का किस तरह जवाब दिया, पूरा बयान सुनिए आप। पच्चीस साल हो गए सत्याग्रह, और 25 साल में कई विधानसभा के चुनाव हुए, कई लोकसभा के चुनाव हुए। जब जब चुनाव आते हैं मैं फोन उठाना बंद कर देता हूँ, क्योंकि हर पार्टी से कुछ ना कुछ निवेदन आता ही है, हर पार्टी से। और मैं हर बार आप लोगों के माध्यम से मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि मेरे अंदर में राजनीतिज्ञ का रौ भी नहीं, और इसलिए उस दुनिया में जाना ही नहीं चाहता जिस दुनिया के बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ। गांव छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, सारा आराम छोड़ करके पूरा अपना जीवन संघर्ष में लगाया कि मैं इस कला को पूरे तरीके से समझूं और इसमें इसको सीखूं। अब जब सब कुछ भगवान की दया से सब कुछ जो है अब जाकर के लगता है कि कुछ चुनाव मिल रहे हैं, मतलब चुनाव करने का मौका मिल रहा है, तो ये छोड़ के मैं अब उस वाले चुनाव में चले जाऊँ, तो ये तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। बिहार से बहुत सारे कलाकार अब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ पर, और यस और बहुत सारे और भी कलाकार आगे आने वाले समय में नाम हजरा। बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया। हजरात, अगले 24 घंटे में लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हो गए